काकभुशुंडी जी महाराज का एक नियम है, जब जब राम जी जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो काकभुशुंडी जी नीलगिरी से आके अयोध्या रहते हैं। कितने दिन? 5 साल। 5 साल अयोध्या में रह के और रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं काकभुशुंडी जी। एक बार भगवान बाल लीला कर रहे थे, बच्चों भाइयों के साथ खेल रहे थे, काकभुशुंडी जी दूर बैठे थे। तो राम जी पुआ खा रहे थे, पुआ जानते हैं ना, मालपुआ। राम जी मालपुआ खा रहे थे तो सामने काकभुशुंडी जी बैठे थे। भगवान तो जानते हैं कि काकभुशुंडी है, राम जी ने मालपुआ दिखाया, खाओ। अब भगवान जिसको अपना प्रसाद दे कौन अभागा नहीं खाने जाएगा हो। काकभुशुंडी जी दौड़ के खाने गए, तब तक भगवान रो दिए तो भाग लिए। फिर वो फिर काकभुशुंडी जी दूर गए तो भगवान पुआ दिखाने लगे, आओ आओ खा लो खा लो। जैसे काकभुशुंडी जी खाने जाए भगवान रो दे तो काकभुशुंडी जी भाग जाए। ऐसा चला 5-6 बार। अब देखिए भगवान की माया का प्रभाव, जब 5-6 बार ऐसा हो गया ना, तो काकभुशुंडी जी के मन में आए, भगवान है, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, कहीं भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं क्या, ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने काकभुशुंडी जी के मन को। रघुनाथ जी वहीं बैठे बैठे अपना हाथ फैलाए उनको पकड़ने के लिए, और काकभुशुंडी जी भागना प्रारंभ किए। सप्त वर्ण भेद कर 3 लोक 14 भुवन काकभुशुंडी जी भागते रहे। भगवान का हाथ उनके पीछे दौड़ता रहा। और दर्शन करिए, काकभुशुंडी जी के शरीर में और भगवान के हाथ में केवल 2 उंगली का अंतर था, मात्र इतनी दूरी। यहां पर शरीर है और यहां पर भगवान का हाथ है। राम जी वहीं बैठे हैं, उनका हाथ उनको दौड़ाता रहा। काकभुशुंडी जी देखे, मति चकरा गई उनकी, लौट के अयोध्या लौटे। भगवान राम ने अपना मुख खोला और काकभुशुंडी जी भगवान के मुख से भीतर चले गए। भीतर गए, अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, करोड़ों ब्रह्मांड। अब जिस ब्रह्मांड में जहां पृथ्वी है, उस पृथ्वी की अयोध्या में जाते हैं काकभुशुंडी जी, वहां राम जन्म देखने लगे। ऐसे करके काकभुशुंडी जी 100 कल्प भगवान के पेट में रहे। कितना दिन? 100 कल्प। जब जब राम जी का जिस ब्रह्मांड में अवतार होता था, काकभुशुंडी जी जाके अयोध्या में दर्शन करते थे। 100 कल्प बीतने के बाद भगवान ने मुख खोला, काकभुशुंडी जी बाहर आए। अब दर्शन करिए, भीतर कितना समय रहे, अब बाहर आके जब घड़ी की सुई मिलाए तो 1 दंड 24 मिनट का समय बीता था। अभी भीतर जाकर आने में बाहर 24 मिनट बीता है। अब भगवान के पेट में 100 कल्प बीत गया है। काकभुशुंडी जी की मति चकरा गई, भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिएगा, मैंने आप पर संशय कर लिया। तो राम जी ने कहा कि क्या चाहिए आपको? काकभुशुंडी जी बोले, प्रभु जो दे दीजिए। भगवान बोले, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। भगवान इतना बोल के चुप हो गए। हम आप होते ना, नाचने लगते। भगवान ने ज्ञान विज्ञान गुण कला धाम सब दे दिया, नाचते ना। काकभुशुंडी जी उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख साही, परंतु भक्ति आपने देना न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया और अपनी भक्ति नहीं दी। और भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान उसी प्रकार है माई बाप। कल्पना करिए, कोई बटर पनीर बनावे है? बटर पनीर बनावे, बढ़िया घी में पहले पनीर को फ्राई कर ले, फिर पनीर को निकाल के ठंडे पानी में डाल ले, क्योंकि सॉफ्ट बना रहे हो, और एक्स्ट्रा तेल उसका निकल जाए घी। उसके बाद कढ़ाई में घी लेकर उसमें थोड़ा सा जीरा डाले, हाँ, और थोड़ा सा
अदरक डाले, फिर हल्दी पाउडर डाले, धनिया मसाला डाले, जीरा पाउडर डाले, उसको बढ़िया से फ्राई करे, फिर टमाटर का ग्रेवी बना के उसको भी डाले। आए है क्या बात है ना, आए खूब बढ़िया ग्रेवी बनावे, पकाए मसाला, फिर ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से पानी डाले, अब पनीर डाल के ऊपर थोड़ी मलाई भी डाल दे, क्रीम सब डाल दे, रंग भी सुंदर होगा ना। कहिए, कई लोग के तो मुंह से पानी आ गया होगा। खूब बढ़िया निकाल कर कटोरी में रखे, क्या डालना भूल गया हो? नमक, आप अर्थ दर्शन करिए, हल्दी भी पड़ा, जीरा पाउडर भी पड़ा, धनिया पाउडर भी पड़ा, क्रीम भी पड़ा, टमाटर भी पड़ा, पनीर भी पड़ा, लेकिन यदि नमक न पड़े न हो तो वो सब पड़ना बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार काग भुसुंडी जी कहते हैं, जिस प्रकार लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है। भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रार्थना करिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, यदि आप रघुनाथ जी के भक्त हैं तो भगवान रामेश्वरम से कहिएगा, बाबा मेरे राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, यही आशीर्वाद हमको दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति बढ़े जीवन, भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। और ये कागभुसुंडी जी महाराज भक्ति घाट के वक्ता हैं। जब कागभुसुंडी जी का उदास चेहरा राम जी ने देखा तो पूछा, क्या हुआ भुसुंडी जी? बोले, प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, अपनी भक्ति नहीं दी हमको। और यहां दर्शन करिए, राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते हैं, राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते, ये राम जी अयोध्या वासियों से कहे हैं। राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जो। राम जी अयोध्या वासियों से कहते कि मैं आप लोगों से गुप्त बात बताता हूं, छिपी हुई बात, हाथ जोड़कर कहता हूं, क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावै। ये राम जी कहते हैं कि बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। लेकिन आप दर्शन करिए, मानस में कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहां राम जी ने अपना नियम तोड़ दिया। कागभुसुंडी जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की, हनुमान जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की, जटायु जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की, शबरी मैया को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की। क्यों? अतिशय प्रीत जहां भगवान दिखाई पड़ता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए परिजन का मान नटलते देखा। प्रबल प्रेम का जहां दर्शन होता है वहां भगवान स्वयं भक्ति प्रदान करते हैं। अस्तु, राम जी ने कागभुसुंडी जी को भक्ति दी अपनी, भगवान शंकर ने राम जी कागभुसुंडी जी को, यही उज्जैन महाकाल मंदिर, महाकाल जानते हैं ना, अयोध्या में जन्मत मिला किसको? भुसुंडी जी को, अयोध्या में, अयोध्या से गए उज्जैन, गुरुदेव भगवान वैष्णव थे, कागभुसुंडी जी भगवान शंकर के भक्त थे, शिव भक्त जानकर गुरु जी वैष्णव थे, इनको शैव मंत्र दे दिए। अब ये जानते, ये कहते थे कि शिव जी का भगत वैष्णव भक्त से बड़ा होता है, वैष्णवों से द्रोह रखते थे कागभुसुंडी जी।
एक दिन महाकाल के मंदिर में बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, पीछे से गुरु जी आ गए। ये कथा कहती है भगवान की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, उस समय यदि सदगुरु आ जाए तो पूजा से भगवान से क्षमा मांग करके उठिए और अपने सदगुरु का आदर सत्कार करके उचित स्थान दीजिए और फिर अनुमति लेकर पूजा करने आइए। श्रेष्ठ हमसे कोई आ जाए उनका सत्कार करिए। उदाहरण मानस में है, सीता मैया पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद स्तुति बाकी थी, सखी ने आकर कहा कि राम जी आ गए हैं फुलवारी में। सीता मैया पूजा छोड़ के रघुनाथ जी को देखने चली गई, प्रणाम करके आई और फिर माने स्तुति को पूर्ण किया है। काकभुसुंडी जी मंदिर में बैठे रहे उज्जैन के, गुरुदेव भगवान आए, खड़े नहीं भय और शिष्य के द्वारा सदगुरु का अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐ गर्जना भाई महाकाल से, पापी गुरुदेव के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है तू, श्राप देता हूं अजगर हो जा। तब गुरु की दया आई गुरुदेव भगवान को, वहीं पर गुरु जी ने प्रार्थना की, नमामि शमी शान निर्वाण रूपम, ये स्तुति वहीं पर गुरु जी ने गाई। तब भगवान महाकाल ने कहा अनेकों बार तुझे शरीर बदलना पड़ेगा, लेकिन तेरे गुरु के कारण तुझे आशीर्वाद देता हूं, जब जब तू शरीर बदलेगा तब तब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा और कितना भी शरीर बदल ले किसी भी जन्म की तुझे विस्मृति नहीं होगी, याद बनी रहेगी। इसी प्रकार शरीर छोड़ते छोड़ते बाद में मनुष्य बने, माता पिता बचपन में गुजर गए उनके, किसके, भुसुंडी जी के। राम भगत थे, वन में निकल गए, लोमस ऋषि मिले। लोमस ऋषि के पास काक भुसुंडी जी ने कहा कि हमको सगुण भगवान के बारे में सुनाइए। भुसुंडी जी निर्गुण भगवान के बारे में सुनाने लगते, फिर थोड़ी देर बाद बोले हमको सगुण भगवान के बारे में सुनाइए। फिर वो सगुण से शुरू करते करते निर्गुण भगवान में पहुंच जाते। जब ऐसे 4-5 बार हुआ और ये बार बार बोले सगुण भगवान के बारे में सुनाइए, तो लोमस ऋषि को आ गया क्रोध, बोले मैं जो बोलता हूँ वो नहीं सुनता है, कौवे जैसा काव काव करता है, जा शाप देता हूँ चांडाल कौवा हो जा। उसी समय काक भुसुंडी जी कौवा हो गए। किसी ने कहा रे आप मनुष्य से कौवा बन गए, अधम हो गए। बोले अधम नहीं, ये कृपा हो गई भगवान की। अभी जो आपसे कह रहा था कि जीवन की स्थिति परिस्थिति बदल जाए, मन की स्थिति बदलने से रोकिएगा, दर्शन करिए। काक भुसुंडी जी कौवा बन गए तो रोए नहीं, हंसने लगे, कहे कि भगवान ने कृपा कर दी, मनुष्य रहता अयोध्या जाता, भगवान के द्वार पर द्वारपाल मुझे रोक देते, भीतर नहीं जाने देते, अब कौवा बन गया हूं, अब मैं उड़ के भगवान के आंगन में उतर जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ये भगवान की मेरे पर कृपा हो गई है। और उस दिन जो कौवा बने आज तक कौवे के ही रूप में है। किसी ने कहा कि आपको तो आशीर्वाद है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कौवा क्यों बने हैं। काक भुसुंडी जी बोले देखो, एही तन राम भगति उर जामि, तेहि ते मोहि परम प्रिय स्वामी। काक भुसुंडी जी कहते हैं इस कौवे के शरीर ने ही मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त कराई है, इसीलिए मेरे लिए जितना पवित्र शरीर कौवा का है उतना पवित्र दूसरा कोई शरीर नहीं हो सकता। ये काक भुसुंडी जी महाराज मानस के चौथे घाट के वक्ता हैं।